it's me, Monica. Hi, I'm Elvis. So today, आज हम लोग जाएंगे भोपाल. But before going to Bhopal, हम लोग छोटा सा stop करेंगे नायगांव में, जो वसे विरार में आता है. पहले हम लोग अभी पेट्रोल भरने जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे. फुल टैंक करवाना, पूरा ऑटो शट ऑफ कर. हम लोग वो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं इसके से. खाली ऑटो शट ऑफ कितना भी है. थैंक यू. आप देख सकते हो 33.28 लीटर्स का पेट्रोल भरा है. 3,006 रुपये का पेट्रोल भरा है. और अभी हम लोग करते हैं ट्रिप रीसेट. तो ओडोमीटर पहला वाला रीसेट, दूसरा वाला भी रीसेट. आज ट्रैफिक तो मिलना नहीं चाहिए यार. सैटरडे है, ऊपर से फोर्थ सैटरडे है, फिर भी ट्रैफिक. काम भी चल रहा है. ये हमारी मुंबई की ट्रैफिक कभी कम होती नहीं है, भले कुछ हो, संडे हो या सैटरडे हो, बस चलते रहते हैं. सुबह सुबह अभी तकरीबन 10:30 बजे है. सेकंड सैटरडे होने के बावजूद भी, फोर्थ सैटरडे होने के बावजूद भी, क्रिसमस का एक दिन बाद. और ये ऐसा है कि लाइक यू नो, लॉन्ग वीकेंड है, मेजोरिटी लोग तो निकल चे गए अपने छुट्टी मनाने के लिए बाहर, पर यहाँ पे बस ट्रैफिक बस खत्म होने का नाम नहीं लेता. इस ट्रैफिक से तो निकल गए, आगे और देखते हैं. इतनी बड़ी बड़ी इमारतें दिख रहे हैं ना, कुछ साल पहले इतने थे ही नहीं जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे हैं अभी. ये है अपना एफिशिएंट रोड. आगे के सिग्नल से अगर लेफ्ट लोगे तो आता है वन इंडिया पुल्स, और राइट लोगे तो आता है इंडिया पुल्स फाइनल सेंटर. हम लोग अभी राइट लेंगे एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स फ्लावर मार्केट. सिग्नल में वापस आते ही गए. चल पड़ी है हमारी गाड़ी. यस, खाली है अभी. डोंट जिंक्स इट यार. क्या पता आगे जाके क्या मिले. अभी के लिए तो खाली मिल रहा है हमें. मुंबई शहर 100-200 मीटर आगे, फिर क्या पता.
फ्लावर मार्केट जस्ट पहुंचने वाली है हम लोग। वहाँ पे 99% ना ट्रैफिक जाम लगा ही रहता ही है। चलो शुरुआत हो गई हमारी ट्रैफिक की। यहाँ पे मेजॉरिटी ट्रैफिक जाम अपना वो मंडी की वजह से नहीं लगा रहता है, सिर्फ फुद्दू ड्राइवर रहते हैं ना रास्ते पे, कहाँ से भी यू टर्न ले लेते हैं, राइट से लेफ्ट मार लेते हैं, मेजॉरिटी उनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। लाइक यहाँ पे अपने ड्राइविंग रूल्स का कोई लाइक लिहाज ही नहीं करता कोई। वो ये देखे एकदम बीच में चला रहा है, ना ही लेफ्ट ना ही राइट। आज दादर मार्केट बहुत खाली खाली लग रहा है, क्या पता क्यों, मे बी बिकॉज सेकंड सैटरडे है या फिर फोर्थ सैटरडे। हाँ यार ये सेकंड सैटरडे का ये पीछा छोड़ ही नहीं रहा मेरा। कभी भी आप आओगे सुबह सुबह 4-5 बजे तभी ये खुला रहता है, ऑल द वे आफ्टरनून शाम तक खुला रहता है। यहाँ पे आपको वेजिटेबल्स बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाते हैं, होलसेल रेट में मिलता है आपको ये एरिया में, क्योंकि ये वाशी से डायरेक्ट सेकंड ट्रांसपोर्टेशन दादर में होते हैं। तो अभी हम लोग माहिम पहुंचे हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड पे सेंट माइकल का चर्च है। सो दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेमस चर्चेस इन मुंबई, सेंट माइकल चर्च। तो अभी हम लोग इधर ये माहिम कोलीवाड़ा बस थोड़े आगे हम लोग को यहाँ से अपना हाईवे चालू होगा, ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। थोड़ा ये हाईवे पे भी थोड़ा बहुत जाम लगा रहता है क्योंकि वो मेट्रो का काम चालू है जो बांद्रा से लेके थाईसर तक जा रहा है। अभी देखते हैं आज किस्मत क्या बोलता है, ट्रैफिक मिलेगी या फिर हम लोग ऐसे ही निकल जाएंगे बिना कोई मशक्कत के। सैटरडे काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स आ चुके हैं रास्ते पे, मोस्टली लाइक अस ओनली लीविंग टाउन। आ गए हमारा हाईवे, रास्ता काफ़ी हद तक खुल गया है, एकदम स्मूथ रोड मुंबई में से। ये रास्ते पे ओवर स्पीड नहीं करना क्योंकि कुछ कुछ जंक्शन पे स्पीड कैमरास रखे हैं, शायद से स्पीड जो है यहाँ पे 60 का लिमिट है, पहले 80 था तो अभी 60 कर दिया है, तो ज़्यादा फास्ट भी नहीं जा सकते अभी ये रास्ते पे, नहीं तो फुकट में 1000 रुपये का चलान कट जाएगा। देखो अभी ऊपर कैमराज है जो स्पीड सेंसिंग कैमराज है। अभी फिलहाल एयरपोर्ट के बहुत नजदीक है, बट वी आर नॉट गोइंग टू एयरपोर्ट। हम लोग का तो एयरप्लेन यही गाड़ी है, बस उड़ा के चलते हैं। हमारा रोड ट्रिप चालू है एंड दिस इज आवर फर्स्ट टाइम, वी आर फर्स्ट टाइम टुगेदर अभी ऑलमोस्ट। तो ये राइट हैंड साइड पे होटल सारा स्टार है, पहले सेंटर होटल हुआ करता था, बहुत यूनिक सा डिजाइन है इसका, सर्कुलर शेप में। और एयरपोर्ट जाने के लिए नीचे से रास्ता है, मैं आपको रास्ता का स्टार्टिंग दिखा देता हूँ,
मैंने वो वीडियो पूरा अपलोड किया है जहाँ पे मैं वो रास्ते पे जाता हूँ, वन ऑफ द स्मूथेस्ट रोड्स है मुंबई में गाड़ी चलाने के लिए. मे बी बिकॉज वो प्राइवेटली मेंटेन्ड है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट. पर ये जब से ये रोड चालू हो गए 5 साल, वेरी फ्यू इंस्टेंसेस आ जाए कि लाइक यू नो कि कुछ पॉटहोल या फिर उबड़ खाबड़ रास्ता हो वहाँ पे. 99% ऑफ द टाइम एकदम स्मूथ रास्ता है. तो यहाँ से अगर आप राइट ले लोगे तो आपको वो एयरपोर्ट रोड मिल जाएगा, सार एयरपोर्ट रोड, मतलब सार एलिवेटेड एयरपोर्ट रोड. I20 देखो, दिखने में बहुत अच्छा लगता है यार. यार मुझे इसकी व्हील्स बहुत पसंद आए, सामने आए तो दिख जाएगा. ये सामने वाली जो ब्रिज है ये मेट्रो का है, मुंबई का. जब पहला मेट्रो 1 चालू हुआ था तो ये है. कभी कभी यहाँ से ट्रेन आपको ऊपर से पास होते हुए दिखाई देती है. पता नहीं लेकिन व्हाट पीपल प्रेफर, वेदर दे प्रेफर गोइंग बाय ट्रेन और मेट्रो. मेट्रो का प्राइस थोड़ा काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू ट्रेन, बट एट द सेम टाइम एयर कंडीशन है, सो वही पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर आ जाता है. यहाँ पे शायद से अपना मेट्रो का स्टेशन बंद रहे इसके वजह से थोड़ा वर्क इन प्रोग्रेस है. वर्क इन प्रोग्रेस. ये मेट्रो का काम कभी बंद होगा किसी को आइडिया नहीं है. एटली 2020 या 21 में बनने वाला था, पर अभी वो क्या बोलते हैं पेंडेमिक, कोरोना की वजह से तो सब प्लान की तो धज्जियाँ उड़ गई है. बस ये काम चालू है, बस ये जल्द से जल्द बन जाए तो ट्रैफिक की जो है आधी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी. But what do you think? लोग मेट्रो से आना प्रेफर करेंगे या ट्रेन से? I heard some people, they're having a conversation, बोलते हैं कि मेट्रो बहुत महंगा पड़ता है, ट्रेन ज़्यादा प्रेफर करते हैं. अच्छा हाँ वो भी है. ट्रेन में अगर आपका मेरा मेट्रो का बेसिक है 20 rupees और ट्रेन में है 5 rupees, तो पीपल चूज ओवर 5 rupees, वाई टू टू 20 rupees. पर मेट्रो में एसी भी रहता है तो. हाँ कुछ लोगों के एसी की आदत होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है. अभी गोरेगांव पहुंच गए, यहाँ पे मस्त ग्राफिटी बनाया है लोगों ने. क्या मस्त, आप भी देख लो. आगे और अच्छी व्यू आने वाले हैं जैसे हम गोरेगांव पहुंच गए हैं. गोरेगांव अपने मुंबई में एकदम फेमस है अपने तबेले के लिए. लाइक यहाँ पे पूरा एकदम क्या बोलते हैं भैंस का तबेला रहता है यहाँ पे. सो मेजोरिटी ऑफ द मिल्क लाइक बफेलो मिल्क इज सप्लाइड टू ऑल दीज फैक्ट्री. ये रास्ता स्मूथ है. अभी हम लोग एवरेज मेंटेन कर पा रहे हैं लाइक 50-60 का चलेगा. लाइक थोड़ा सिटी के लिए अच्छा है पर हाईवे के स्टैंडर्ड से काफ़ी स्लो है. कम से कम अगर 70-75-80 पे हो जाते हैं तो फिर अच्छा माइलेज भी मिलता. यहाँ भी राइट हैंड साइड पे ये वेस्टर्न गार्डन सिटी है. ये मुंबई का आई फील द नॉर्थ मोस्ट 5-star होटल है. इसके आगे जाओगे तो मेरे को नहीं लगता कि और 5-star होटल मिलेगा आउट ऑफ बॉम्बे जाने के रास्ते पे. बट मुंबई में एंट्री मारते हुए यही सबसे पहला 5-star होटल दिखेगा आपको. चलो ये ऊपर का मेट्रो का काम लगभग से तैयार हो ही रहा है. हाँ ये यहाँ पे रहेगा गोरेगांव का मेट्रो स्टेशन. ये आउट ऑफ बॉम्बे के लिए पहला टोल नाका है. यहाँ पे फास्टैग कहाँ पे मिलेगा? फास्टैग अवेलेबल नहीं है यहाँ पे.
यार प्रॉब्लम हो गई, अब हमको दूसरा टोल नाका ढूंढना पड़ेगा, जबकि 1 जनवरी से फास्टैग मैंडेटरी कर दिया है और हम लोग आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अब ढूंढो फास्टैग, अभी ढूंढो, पर हमारे पास टाइम भी नहीं है अप्लाई करके रखने के लिए। डिलीवरी के लिए नैने बोल के 7 to 10 वर्किंग डेज बोल रहे हैं कि आने के लिए, तो हम लोग का गाड़ी ज्यादा इतना बाहर जाता नहीं है, मे बी वंस इन अ व्हाइल। यहाँ पे एक फास्टैग का कियोस्क दिखा है, बट एक मिनट है, हम लोग को साइड में लेना पड़ेगा। एयरटेल का फास्टैग दिख रहा है हमें, आई विल सी एंड फाइंड आउट। एयरटेल वाले बोल रहे हैं कि इसको 2 घंटे वेट करना पड़ेगा और फास्टैग खत्म हो गई है, अब हम देखते हैं दूसरी टोल पे। आई होप हमें जल्द से जल्द मिल जाए। अभी दूसरा टोल जो है एक्चुअली हम लोग का डेस्टिनेशन से काफी आगे है, मैंने बोल के 15-18 किलोमीटर आगे है जहाँ पे हम लोग जाना चाहते थे, तो मतलब 18-18 मतलब 32 किलोमीटर हम लोग का एक्स्ट्रा रनिंग होने वाला है आज जस्ट फॉर दिस फास्टैग टोल। इन लोग बोल रहा है कि लेकिन यू नो सब टोल नाके पे अवेलेबल है, पर इन रियलिटी अवेलेबिलिटी इतना इजीली है नहीं। अभी देखो अभी मैं पूछ लिया, खाली एक ही स्टॉल था वहाँ पे, पर अवेलेबल है ही नहीं फास्टैग। बोलता है 2 घंटा लगेगा, अभी 2 घंटा इधर इतना ट्रैफिक में कोई रुकने वाला नहीं है। तब हम लोग दूसरी जगह मतलब दूसरी जगह पे जाके हम लोग चेक करते हैं कि वहाँ पे मिलेगा, अगर मिला तो मिला तो ठीक है, या तो शायद से एक बार चक्कर काटना पड़ेगा यहाँ पे। यार मैं लास्ट मुंबई से बाहर लिखा हुआ है धन्यवाद बृहन मुंबई महानगर पालिका। ऑटो बॉम्बे का नज़ारा चालू हो चुकी है, जो अभी हम लोग जाएंगे उसके ऊपर, उसकी हालत इतनी ठीक नहीं है यार। ये अगर यहाँ से सिंगल से आप राइट लोगे तो फिर वो थाने गोडबंदर रोड आएगा, अगर सीधा चले गए तो फिर ये पालघर होके ये दिल्ली तक कनेक्टेड है ये रोड, इससे गुजरात भी पहुंच सकते हैं। अहमदाबाद यू कैन गो, गुजरात तक भी गुजरात होके जाएगा, गुजरात राजस्थान ऑरेंज छोटे वाले। ये है वर्सोवा क्रिक ब्रिज, रहेगा कुछ अराउंड 16-17 के आसपास, पर
कंपेयरिंग द ट्रैफिक इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए, मतलब इट्स नॉट बैड एट ऑल, लाइक 16-17 भी दिया तो अच्छा ही है, हाफ सिटी हाफ हाईवे। अरे एक छोटा गांव आएगा पापा ने, पापा ने आएगा, फिर जू चंद्र आएगा, फिर आएगा प्रॉपर अभी ट्रेन फाटक ज्यादा करके यहाँ से अभी ट्रेन जाने वाला है। बंद 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 बस बंद हो गई। अब हमें कुछ देख लिया, अभी वेट करना पड़ेगा। लेट्स सी अभी कितना टाइम लेता है। कुछ भी मिलेगा अपन तो सही से पूरा पूरा फार्मलैंड है ना ये। फार्मलैंड ये हमारी ट्रेन जा रही है, ट्रेन की में चल पड़ी है ये हमारी ट्रेन। अब खुल जाएगा हमारा ब्रिज का, ये काफी लोग जमे हो गए यहाँ पे। पहुंचने के लिए ना बाई कार हाईवे से ऑलमोस्ट तकरीबन 8 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है। अगर वेस्ट में जाना हो तो पूरा वसई होके हम लोग को घूम के आना पड़ता है, जो नॉर्मली ये ब्रिज वो डिस्टेंस जो है इट विल कट डाउन बाय हाफ। वसई होके घूम के आके ऑल दो ईस्ट वेस्ट जाने के लिए जहाँ पे 10 किलोमीटर चलना है बाई कार और व्हीकल, वसई जाके ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर हो जाता है, बस पूरा घूम के आना पड़ता है। तो अभी इसका काम भी ये साल खत्म होने वाला था, पर अब पता नहीं कब खत्म होगा, पर जैसे हो जाएगा ये एरिया के लिए भी बहुत अच्छा है। लाइक दिस प्लेस विल गेट कनेक्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ वैसे विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सो अच्छा रहेगा वो। सो ईस्ट वेस्ट जाने के लिए भी, लेकिन इंस्टेड ऑफ गोइंग फुल राउंड यहाँ से आप कट मार सकते हो। ये मेजॉरिटी हॉस्पिटल जो है या क्लिनिक्स है वो वेस्ट में है, और ये हम लोग ईस्ट में अभी फिलहाल। यहाँ पे आप देखोगे पूरा सॉल्ट पैंस है, यहाँ पे नमक का क्या बोलते हैं, नमक निकलते हैं पानी से। पहले ये पूरा एरिया ही ऐसा था, अभी नए नए बिल्डिंग्स आ रहे हैं, डेवलप हो रहा है ये एरिया, अच्छा है। छोटू स्पॉक, हेलो गुड बॉय, ओह यू गुड बॉय, गुड 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 गुड, डोन 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 डोन, नहीं ही इज गुड, एंड दिस इज द ओल्ड स्पॉक,
क्या कर रहे हो? दस्ती है फिर। हाँ, अभी हम लोग नायकॉन पहुँच गए एंड सो टुडेज व्लॉग हैज़ कम टू एन एंड। वील कंटिन्यू गोइंग टू भोपाल टुमारो। अगर कल सुबह निकलेंगे, अभी बाकी का जो आपको बताएंगे।